अगर आप बाइक चलाते हैं और उसमें डिस्क ब्रेक यूज़ करते हैं आगे और पीछे या टायर्स में, तो ये वीडियो खास तौर पे आप लोगों के लिए विल ही गाइस वेलकम बैक, आई एम बैक विद अनदर न्यू वीडियो। मेरा नाम है आशीष कुमार, तो इस खास वीडियो हम आपको बताएंगे बॉस्च एक जो ब्रांड है जो कि ब्रेक ऑयल बनाता है, इंजन ऑयल बनाता है, बहुत सारी चीज़ें बनाता है, आपको आपको स्पार्क प्लग बनाता है, तो उसका ये प्रोडक्ट जो कि ब्रेक ऑयल है। और ये हम अपने मैं पर्सनली जो पल्सर है मेरी बाइक उसके ब्रेक ऑयल में यूज़ करता हूँ। आगे जो होता है कि जो जिसको डिस्क ब्रेक में ये जो यूज़ हो रहा है ब्रेक ऑयल वो है, और बहुत ही अच्छी कॉस्टिंग की बात है। बहुत लोग वो सोचते हैं कि जब भी उनके उनको ब्रेक कम लगता है तो वो जाके रिफिलिंग करा लेते हैं, तो रिफिलिंग जब कराएंगे तो आई थिंक 20 रुपये और ये तकरीबन 40 या 50 रुपये कहीं कहीं तो 50 रुपये ले लेता है एक बार रिफिल कराने का। लेकिन ये पूरा कॉस्ट ही इसका जो दाम है तकरीबन 30 रुपये या 35 रुपये में आपको ये दे देगा पूरा, और इससे कम से कम 4 बार रिफ़िल करा सकते हैं खुद से अगर आपको करने आता है। नहीं भी करने आता है तो आप किसी ऐसे दुकान पर जहाँ पे साइकिल की दुकान या कोई भी है वहाँ से उसका ढक्कन खुलवा लें और रिफ़िल कर ले खुद से, एक बार क्लीन कर लेंगे अच्छे से फिर रिफ़िल कर लीजिएगा और 4 बार रिफ़िल हो जाएगा खुद से कर सकते हैं। तो ये आसान तौर पर आप कर सकते हैं, 10 रुपये सिर्फ उनको देना है यूज़ करने का, ठीक है। अच्छा ब्रांड है और यहाँ पे जो है 100 ml का पैक है, तो एक बार में 20 ml लगता होगा, 20 से 25 ml लगता होगा। आई थिंक जोड़ा नहीं मैंने, अभी 2 बार रिफ़िल किया है, अभी आई थिंक आधा ज़्यादा लग रहा है मुझे, तो 2 बार और हो सकता है, तो तकरीबन 25 ml लगता होगा। और यहाँ पे एक्सपायरी और सारी चीज़ें हैं, 38 रुपये इसका है, लेकिन 32 रुपये या 30 रुपये ऐसे ही 30 या 35 रुपये पड़ेगा आपको इन बिटवीन। अच्छे दुकान में लीजिएगा, ओरिजिनल है और बहुत अच्छे पैक के साथ आता है। और प्लीज़ इसको है ना ये जो चीज़ है उसको ना किसी भी पेंट वाली जगह पे यूज़ मत कीजिएगा, नहीं तो वहाँ का पेंट निकल जाएगा, तो आप प्लीज़ उसको दूर रखिएगा। बाकी बाकायदा ज़्यादा बड़ा छेद करने की ज़रूरत है, छोटा सा कर दीजिए और आराम से खुद से भी रिफ़िल कर सकते हैं। सब ऐसे बताया कि 10 रुपये भी देखिए आप रिफ़िलिंग करा सकते हैं। बहुत ही अच्छे ब्रेक ऑयल में बहुत अच्छा काम करता है, ब्रेकिंग बहुत अच्छी हो जाती है, स्मूथ हो जाती है, और जब भी आप जो ब्रेक के जो डिस्क पैड होते हैं वो आप चेंज कराते रहिए ताकि डिस्क आपका ख़राब ना हो, तो उस हिसाब से भी आपको दिमाग में रखना है। तो गाड़ी या बाइक या चला रहे हैं कार चला रहे हैं, जैसे हम बेसिकली बात तो बाइक की कर रहे हैं, तो पूरी प्रॉपर सर्विस कीजिए, बाइक अच्छे से चलाइए, सेफ राइड। और बाइक से जुड़ी हुई कोई चीज़, पल्सर से जुड़ी हुई कोई बात पूछनी है, आप राइडिंग के बारे में पूछना चाहते हैं, तो ज़रूर बताइए, हम उस पर भी वीडियोज़ बनाएंगे जो आप तक हम पहुँचाएँगे। और कल के वीडियोज़ में हम अपना जो फ़ोन है इन्फिनिक्स का स्मार्ट एट उसके बारे में लॉन्ग टर्म रिव्यू करेंगे कि अभी तक इतना टाइम खरीदने का बात हो गया तो अभी कैसा है। उम्मीद है वीडियो पसंद आई, सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।